दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंडेंजर्ड स्पीसीज डुगोंग के बारे में, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारतीय जल क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं डुगोंग से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ, जैसे डुगोंग भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इनकी प्रजाति संकटग्रस्त कैसे हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था, इनकी संख्या में कमी से ओसीन इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो बिना इसके पूरा देखना है। और अगर आप एक एनिमल लवर हो तो भाई चैनल पे थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल चौधरी, मैं करता हूँ लिविंग बींग्स को एक्सप्लोर और आप देख रहे हैं देसी एक्सप्लोरर। दोस्तों डुगोंग एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है जो भारत सहित विश्व के अन्य 37 देशों के समुद्र तटों पर पाया जाता है। यह एक लंबी आयु का जीव है जो लगभग 70 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्ष 2013 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय तटों पर केवल 250 डुगोंग बचे थे। तो आइए अब जानते हैं कि भारत में ये जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में इनका निवास स्थान मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में पाए जाने वाले तटों पर है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि डुगोंग की प्रजाति संकटग्रस्त कैसे हो गई, इसका प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों डुगोंग एकमात्र ऐसा शाकाहारी स्तनधारी जीव है जो अपने जीवन के लिए पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर रहता है, और मादा डुगोंग गर्भधारण के 12 से 14 महीने बाद शिशु को जन्म देती है तथा प्रत्येक शिशु के मध्य 3 से लेकर 7 साल तक का अंतर होता है। इसका मतलब इनकी संख्या में बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है, और तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान में मछुआरों द्वारा डुगोंग का मांस 1000 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, इसलिए इनका भारी मात्रा में शिकार किया जा रहा है। लोगों की मान्यता है कि डुगोंग के मांस का सेवन करने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी संख्या में धीमी गति से वृद्धि और इनका भारी मात्रा में शिकार इनके संकटग्रस्त होने का पहला कारण है। दोस्तों डुगोंग एक शाकाहारी जीव है जो भोजन के लिए मुख्यतः समुद्री घास पर निर्भर रहता है, और एक डुगोंग एक दिन में लगभग 40 किलोग्राम घास तक खा लेता है। पर समुद्री वाहनों के कारण समुद्री घास में लगातार कमी हो रही है, जो डुगोंग की घटती संख्या का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में अन्य मानव गतिविधियां डुगोंग के सामने चुनौती बनी खड़ी हैं, जैसे आवास विनाश, व्यापक जल प्रदूषण, समुद्री ट्रांसपोर्ट, अवैध शिकार, अनियोजित पर्यटन भी डुगोंग के लिए बड़ी समस्या का कारण है। अब जानते हैं कि डुगोंग की संख्या में कमी होने पर इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दूं कि डुगोंग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इनकी संख्या में कमी आती है तो सारी फूड वेब्स इससे प्रभावित होती है। अब जानते हैं भारतीय सरकार द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों के बारे में। आपको बता दूं कि भारत सरकार 1983 से CMS का हस्ताक्षरकर्ता देश है, और वर्ष 2008 से डुगोंग के संरक्षण और प्रबंधन की कमान संभाली है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा समुद्र तटीय गांवों में स्थानीय मछुआरों के बीच जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान के जागरूकता प्रयासों के बाद डुगोंग के शिकार में कमी देखी गई है। दोस्तों क्या आपको पता है कि डुगोंग अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है, और अगर आप अंडमान निकोबार पर पाए जाने वाले जीवों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। डुगोंग के संरक्षण के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया से सीख लेना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उचित संरक्षण के कारण डुगोंग की संख्या 85,000 से अधिक हो गई है। इसलिए संरक्षण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा डुगोंग को भारतीय तटों से विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। आगे हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब दुनिया भर में संकटग्रस्त प्रजातियों की पूरी एक सीरीज आने वाली है, तो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम दोस्तों।